दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे हमेशा की तरह। तो इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद करते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम शेक्सपियर का सबसे बेहतरीन जो ड्रामा है, बल्कि ये एक ट्रेजिडी है जो उन्होंने लिखी थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इस ट्रेजिडी का नाम है हेमलेट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो ये जो ट्रेजिडी है हेमलेट शेक्सपियर की, ये शॉर्टन में यानी मुख्तसरन इसको हेमलेट कहा जाता है, लेकिन इसका पूरा नाम जो है ये यानी ट्रेजिडी ऑफ हेमलेट या प्रिंस ऑफ डेनमार्क जो है, ये पूरा नाम इसका ये है। और इसे शॉर्टन करके जो है वो हेमलेट अब कहा जाता है। ये एक ट्रेजिडी है जो शेक्सपियर ने लिखी थी, और ये 1599 से लेके 1601 के बीच में, यानी इन 3 साल के अरसे में जो है उन्होंने कहीं पे लिखी है। कुछ किताबें जो हैं वो 1602 जो है वो भी इसके बारे में बताते हैं कि ये वो साल था कि जिस साल में शेक्सपियर ने ये ट्रेजेडी लिखी थी। बहरहाल, ये शेक्सपियर के सब ड्रामों में से सबसे बड़ा ड्रामा है, जिसमें 30,557 अल्फाज हैं। और ये डेनमार्क मुल्क जो है, उस मुल्क का जो यानी बादशाह था हेमलेट, तो ये एक यूरोपियन मुल्क है और ये वहाँ से लिया हुआ एक किरदार है और ये एक वाकया है। और इस ड्रामे में हम देखते हैं कि जो शहजादा हेमलेट है वो बदला लेने की कोशिश करता है अपने चचा से, जिसका नाम क्लॉडियस है। और वो उसे बदला इस बात का लेना चाहता है कि उसने जो हेमलेट है, उसके फादर जो किंग हेमलेट थे, उसको उन्होंने कत्ल कर दिया था, ताकि वो तख्त पे जो है वो कब्जा कर ले, और साथ में जो हेमलेट की वालदा है उससे शादी भी कर ले। और उसने ऐसा किया था। शहजादा हेमलेट जो है, उसके वालिद जो थे किंग हेमलेट, उसको कत्ल कर दिया स्लो पॉइजनिंग के थ्रू, और फिर उसकी वालदा से शादी करके वो तख्त पे बैठ गया। तो अदब के लिहाज में बिलखसूस जो वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर है, उसमें ये जो हेमलेट ड्रामा है, इससे बड़ा ताकतवर और बड़ा असर अंदाज जो है वो वर्क समझा जाता है। और इसकी कहानी जो है वो ऐसी है कि जिसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि ये एक यानी ना खत्म होने वाली कहानी है, और ये हमें बार बार नई चीजें जो हैं वो जिस तरह बताती है, या हम देखते हैं कि इसमें कुछ यानी ऐसे क्लाइमेक्स आ रहे होते हैं कि उससे ये महसूस होता है कि ये कहानी शायद एंडलेस है, या काफी लंबी जो है ये कहानी यानी खींची जा सकती है। इसी तरह से शेक्सपियर का ये यानी सबसे मशहूर कामों में से एक काम है, और ये इसकी जिंदगी में भी जो है वो बड़ा मशहूर हुआ था और उसके बाद भी। और इसको हमने देखा है कि ये कई दफ़ा जो है वो परफॉर्म किया जा चुका है, और बिलखसूस जो रॉयल शेक्सपियर कंपनी है उसकी जो लिस्ट है उसमें ये सबसे टॉप पे है। यानी कई दफ़ा इस ड्रामे को जो है वो परफॉर्म किया जा चुका है बिलखसूस किसी और ड्रामे के मुकाबले में। और इसके अलावा स्ट्रेट फॉर एवन में जो है, जो यानी शेक्सपियर कंपनी के जो बात के जो भी जो मालकान हैं जो उसे चलाते हैं, तो उसमें भी ये टॉप नंबर पे है। यानी 1879 से लेके ये ड्रामा अब तक जो है वो कई दफा परफॉर्म किया जा चुका है किसी दूसरे ड्रामे के निस्बत। इसी तरह से ये जो ड्रामा है, तो इस ड्रामे ने कई दुनिया के राइटर्स जो हैं उन्हें मुतासर किया, और उन्होंने इस तरह की यानी ट्रेजिडीज लिखी। जो लोग इनसे मुतासर हुए उसमें बिलखसूस जो है वो जॉन वॉल्फगैंग है, इसी तरह से वॉन गिथ हैं, और इसी तरह से जो है चार्ल्स डिकिन्स, और इसी तरह से जेम्स जॉयस, और इसी तरह से जो है वो आयरिस मर्डॉक हैं। इन्होंने जो है इससे काफ़ी वो मुतासर हुए, और उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि ये एक यानी ऐसा ड्रामा है कि सिंड्रेला की कहानी के बाद इस कहानी को सबसे ज़्यादा मरतबा जो है वो फिल्माया जा चुका है। यानी ये दूसरे नंबर पे एक फिल्माई जाने वाली कहानी है सिंड्रेला के बाद। तो ये जो कहानी है शेक्सपियर ने, जो हेमलेट की कहानी जहाँ से ली है, तो ये एक लेजेंड था एमलेट का, और उन्होंने जो है इस कहानी को जो है वो संभाला था। 13वीं सदी की ये जो है वो कहानी है, तकरीबन ये क्रोनिकलर सेक्सो जो है वो ग्रामेटिकस की जो है, और इसी तरह से जो उन्होंने कहानी ये संभाल के रखी थी अपने उसमें जेस्टा जो डेनोरम था, और फिर वहाँ से इस कहानी को जो है वो बताया गया, बार बार इसको बताया गया। और 16वीं सदी में जो है जो स्कॉलर फ्रैंकस डी बेल फॉरेस्ट हैं, उसने इस कहानी को जो है वो दोबारा बताया बिलखसूस। तो शेक्सपियर ने भी कहा जाता है कि मुमकिन है कि वहाँ से ये कहानी ली होगी,
जो अर्लियर एलिजाबेथन प्ले हैं, और आज उनको जो है ये इस कहानी को अर हेमलेट के नाम से जाना जाता है, या कुछ शेक्सपियर सी जो स्कॉलर्स हैं वो ये भी मानते हैं कि शेक्सपियर ने पहले इसे अर हेमलेट के तौर पे लिखा और बाद में इसका जो वर्जन है उसे उसने रिवाइज करके हेमलेट का नाम दिया, और आज ये हेमलेट के नाम से ही दुनिया में जो है वो मौजूद है। इसी तरह से इसके ये जो ड्रामा है, तो ये माना जाता है कि शेक्सपियर ने ये ड्रामा बिलखसूस अपने वक्त के जो एक्टर थे जो शेक्सपियर के ड्रामों में एक्ट करते थे, खुसूसन उसके ट्रेजेडीज में, जिनका नाम था रिचर्ड बर्बेज, तो उनको यानी जहन में रख के ये ड्रामा लिखा था जो उनके फेलो एक्टर थे, क्योंकि शेक्सपियर जो है वो ड्रामा लिखने के साथ साथ वहीं पे परफॉर्म भी करते थे। और कहा जाता है कि ये जो हेमलेट है इसमें जो घोस्ट का यानी जो रोल था वो शेक्सपियर ने खुद यानी इसका जो है वो परफॉर्म किया था। इसी तरह से तीन डिफरेंट वर्जन्स जो हैं शुरू के इस ड्रामे के जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, यानी वो जुदा गाना है। फर्स्ट क्वार्टो जो है वो 1603 में, और इसी तरह से जो सेकंड क्वार्टो है वो 1604 में, और इसी तरह से फर्स्ट फोलियो जो है 1623 में। तो अगर इन तीनों क्वार्टोज और फोलियो को देखा जाए तो इनमें ये लगता है कि हर यानी क्वार्टो में और फोलियो में कुछ ऐसे सीन्स हैं जो दूसरे में नहीं हैं, यानी वहाँ से मिसिंग है। और कई दफ़ा ऐसा भी है कि कुछ लाइंस अगर एक क्वार्टो में हैं तो वो दूसरे क्वार्टो में नहीं हैं, या फोलियो में नहीं हैं, या अगर फोलियो में हैं तो क्वार्टो में नहीं हैं। तो इन्हें कई चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा गाना है या मुख्तलिफ हैं। इसी तरह से ये जो ड्रामा है तो उसका जो स्ट्रक्चर है या जो उसकी जो जो डेप्थ है वो यानी एक ऐसे यानी कैरेक्टराइजेशन के साथ जो है वो यानी इंस्पायर है कि जिसमें हम देखते हैं कि क्रिटिकल स्क्रूटनी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस ड्रामे को लिखे हुए या परफॉर्म किए हुए जो है वो कई सदियां हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी इस पर पूरी दुनिया में एक डिबेट की जाती है, बहुत सी डिबेट की जाती है कि हेमलेट जो है वो क्यों हेजिटेंट था, यानी उसमें क्यों ये हिचकिचाहट थी कि वो अपने चचा को मारे। तो मुख्तलिफ जो यानी तजिया निगार हैं वो इसको मुख्तलिफ पस मंज़र में जो है इसके ऊपर तनकीद करते हैं। कुछ ये कहते हैं कि ये शायद एक वजह थी कि शेक्सपियर जो है इस ड्रामे को तूल देना चाहते थे, और इसी तरह से कुछ जो हैं वो इस तरह से यानी आर्ग्यू करते हैं कि ये कम्प्लेक्सिटी का शिकार थे जो प्रिंस हेमलेट थे, और उसमें कुछ जो हैं वो फिलोसॉफिकल और उसमें एथिकल इशूज़ थे, और ये जो है वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर था और एक कैलकुलेटेड रिवेंज है, या एक जो है वो थॉटेड डिज़ायर है। तो इस तरह से इसमें कई जो हैं वो आज भी इसके ऊपर बहस किए जाते हैं कि जो सर्टेन जो बिहेवियर इस ड्रामे में हम देखते हैं बिलखसूस प्रिंस हेमलेट की तरफ से, उसकी क्या वजह है, क्या वो रियल है या वो एक आर्जी था या फेंटेड है मिसाल के तौर पर। तो अभी दौरे जदीद में जो है जो साइको एनालिटिक क्रिटिक्स हैं उन्होंने हेमलेट को एग्जामिन किया है, और वो इसमें जो है वो कहते हैं कि अनकंशियस डिज़ायर्स हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो फेमिनिस्ट जो हैं वो जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने इसकी अगेन रीइवैल्यूएशन की है, और वो यानी इस ख्याल पे हैं कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है फीमेल का ओफेलिया का, जो यानी लवर ऑफ शेक्सपियर हैं, तो वो उसको कहते हैं कि ये एक यानी मलाइन जो है वो कैरेक्टर है, और ग्रेटिट्यूड का, क्योंकि ओफेलिया जो है वो हम इस ड्रामे में जब देखते हैं तो वो यानी एक किस्म की जो है वो खुदकशी करती हैं, एंड शी ड्रोन्ड हरसेल्फ, अपने आप को उसने खुद डुबोया था। या शेक्सपियर का जो प्रिंस हेमलेट है उसका जो है उसके साथ एक जो ताल्लुक और जो रिश्ता जो है वो होना चाहिए वो इसमें उसकी तलक नहीं आती, या हेमलेट जो है वो उसे इतनी प्रायोरिटी या तरजीह नहीं देते जितनी देनी चाहिए। तो ये एक एंगल है कि जिसमें जो बिलखसूस जो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स हैं तो वो इस पे जो है वो इस लिहाज से भी तनकीद करते हैं। ये कैरेक्टर्स हैं जो हमें हेमलेट ड्रामे में मिलते हैं। सबसे पहले हेमलेट जो है हेमलेट क्योंकि खुद किंग हेमलेट भी था, और साथ में सन ऑफ द लेट किंग एंड नेफ्यू ऑफ द प्रेजेंट किंग क्लॉडियस, यानी शहजादा हेमलेट जो है जो मेन कैरेक्टर है इसका या जो हीरो है तो वो जो है शहजादा है, और ये जो क्लॉडियस है जो भी प्रेजेंट किंग है उसका ये भतीजा है।
इसी तरह से क्लॉडियस किंग ऑफ डेनमार्क है, क्योंकि जो किंग हेमलेट है उसको कत्ल करने के बाद वो खुद बादशाह बना, और ये हेमलेट का चचा है, और इसी तरह से ये भाई है जो पहले वाले बादशाह थे, यानी किंग हेमलेट। इसी तरह से जो गर्ट्रूड है, जो यानी डेनमार्क की रानी है, और ये हेमलेट की मदर हैं, और इसी तरह से ये क्लॉडियस की अब बीवी हैं, उसके साथ उन्होंने जो है वो दूसरी शादी कर ली। और इसी तरह से पोलोनियस हैं, ये चीफ काउंसलर हैं ऑफ द किंग, यानी ये खास वजीर हैं। ओफेलिया जो हैं ये पोलोनियस की जो है वो बेटी हैं, और ऑब्वियसली इसका जो है वो जो लव अफेयर होता है वो हेमलेट के साथ होता है। होरेशियो है, ये हेमलेट का दोस्त है, और इसी तरह से लेटिस है, ये पोलोनियस का जो है वो बेटा है। इसी तरह से कुछ कोर्टियर्स हैं, इसमें दरबारी यानी ऑसरिक हैं, और इसी तरह से वाल्टेमेंट हैं, और इसी तरह से कॉर्नेलियस हैं, और इसी तरह से एरेजन क्रेंस, और इसी तरह से जो है वो गिल्स्टन जो है ये भी दरबारी हैं, और ये हेमलेट के दोस्त हैं। इसी तरह से मार्सलस है, ये एक ऑफिसर है, और बर्नार्डो जो है वो भी एक ऑफिसर है, और इसी तरह से फ्रांसिस्को जो है ये एक सोल्जर है यानी सिपाही है, और इसी तरह से रेनाल्डो जो है ये पोलोनियस का जो है वो मुलाजिम है। घोस्ट जो हमें यानी हेमलेट्स का फादर यानी फार्मर किंग जो है, किंग हेमलेट, वो घोस्ट है, जो मैंने आपको बताया था कि जो घोस्ट का रोल है तो शुरू में खुद जो है वो यानी शेक्सपियर ने इसका रोल प्ले किया था। इसी तरह से फोर्टेम्ब्रांस है, जो एक प्रिंस ऑफ नॉर्वे है यानी नॉर्वे का शहजादा, और इसी तरह से ग्रेव डिगर्स हैं, वो यानी कपल ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो कि कब्र खोदने का जो है वो काम करते हैं एक सीन में। तो घोस्ट जो है ये ड्रामा शुरू ही यानी स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि घोस्ट की अपीयरेंस होती है, यानी प्रिंस हेमलेट से वो बात करता है यानी भूत के सूरत में उसका बाप, और वो उसे यानी कहता है कि तुम्हें बदला लेना है मेरे यानी खून का हिसाब लेना है, या जो मेरा कत्ल हुआ है उसका बदला लेना है। तो ये वहाँ पे घोस्ट की अपीयरेंस होती है, और फिर एक आध दफा और जो है इसकी अपीयरेंस होती है हेमलेट से बातचीत करते हुए। हेमलेट की जो समरी है उसमें ये है कि द घोस्ट ऑफ द किंग, यानी जो बादशाह है, जो यानी किंग हेमलेट था, उसका जो भूत आता है डेनमार्क का, वो अपने बेटे यानी हेमलेट को बताता है कि तुमने बदला लेना है मेरे कत्ल का, और तुमने ये बदला लेना है जो यानी तुम्हारा चचा है उसको मार के तुमने मेरा ये बदला लेना है। तो अब ये जो है हेमलेट इस यानी घोस्ट से बातचीत करने के बाद वो यानी ऐसा महसूस करता है कि जैसे यानी रवैया वो अपनाता है कि जैसे वो पागल है। वो जेन्युइनली पागल नहीं होता, लेकिन ये पागलपन जो है उसका ये जानबूझ के जो है वो हो रहा होता है। और फिर उसकी जिंदगी जो है वो फिर यानी इसके इर्द गिर्द ही हमें जो है वो नजर आती है कि वो डेथ और बदला लेने के चक्कर में ही होता है, या उसके दिमाग में हर वक्त ये चीज यानी घूम रही होती है। पूरे ड्रामे में एक झलक इसकी नजर आती है कि बाकी चीजों की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं होता, और वो एक शहजादे की तरह जिंदगी बिल्कुल भी नहीं गुजारता। बस हर वक्त वो इसमें रहता है कि वो उसे बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। फिर मुख्तलिफ यानी ड्रामे में ऐसे सीन्स में मौाक़े आते हैं कि अगर वो यानी वहाँ पे चाहता तो अपने चचा को आसानी से मार सकता था, लेकिन वो उनको नहीं मारता। तो इस वजह से जो है ये शुरू में जिस तरह मैंने बताया था कि क्रिटिक्स जो है वो कहते हैं, तो उनकी एक बड़ी वजह यह है कि शेक्सपियर इस ड्रामे को थोड़ी तूल देना चाहता था, जिस वजह से ये हेजिटेंसी जो है वो हमें नजर आती है, या इनडिसाइसिवनेस जो है प्रिंस हेमलेट की तरफ से। इसी तरह से जो इसके चचा हैं हेमलेट के, गर्ट्रूड जो हैं, जो बादशाह हैं डेनमार्क के, उसको भी ये खौफ होता है कि उसे शायद ये अपना भतीजा कहीं मार ना दे। तो वो भी कोशिश करता है कि वो किसी ना किसी तरीके से हेमलेट को जो है वो मरवा दे। और ये प्लाट जो है ड्रामे का इसके इर्द गिर्द भी काफ़ी घूमता है, और वो इस कोशिश में भी होता है और ये कोशिश करता भी है, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब नहीं होता। तो आखिर में ये ड्रामा जो है वो एंड होता है, और इसमें ये बड़ी एक ट्रेजिक एंड है। इसमें हम देखते हैं कि ये एक यानी दो लोगों की दुश्मनी के यानी उस ध्याने पे ये ख़त्म होता है, और जिसमें हम देखते हैं कि बादशाह और इसी तरह से जो यानी क्वीन है, उन दोनों को जो है वो हेमलेट मार देता है, और इसी तरह से हेमलेट जो है वो खुद भी इस ड्रामे में मर जाता है। तो ये एक ट्रेजिक एंड है,
क्योंकि ट्रेजेडी कहा ही उसको जाता है कि जिसमें हीरो जो है उसकी डेथ होती है, उसे ही ट्रेजेडी कहा जाता है। तो इस ड्रामे में जो है वो टोटल 5 एक्ट हैं और हर एक्ट में मुख्तलिफ सीन्स हैं और उसमें जो है वो टोटल 7 जो है वो सॉलिलॉक्वीज हैं। तो सॉलिलॉक्वी जो है ये खुद कलामी को कहा जाता है, यानी ये कैरेक्टर जब अपने आप से बात करता है तो उसे जो है वो सॉलिलॉक्वी कहा जाता है। और इसकी एक मशहूर सॉलिलॉक्वी है कि टू बी और नॉट टू बी, जिसमें हम देखते हैं कि प्रिंस हैमलेट जो है वो हेजिटेंसी का शिकार होता है कि आया उसे अपने बाप का बदला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, या मारने के बाद जिस तरह उसकी जो खुद की ट्रेजिक एंड होती है। तो इस तरह से कुल मिला के जो है वो 7 सॉलिलॉक्वीज हैं हैमलेट के यानी अंदर, और ये बड़ी मशहूर सॉलिलॉक्वीज भी हैं शेक्सपियर की। और फिर सॉलिलॉक्वी जो है ये एक फ्लेवर जो है वो ऐड करती हैं यानी ड्रामे में, और ये एक किस्म की जो है वो यूनिकनेस भी समझी जाती थी। और इसके आज भी जो है मुख्तलिफ ड्रामा नगार इस तरह की सॉलिलॉक्वीज जो हैं वो यूज़ करते आ रहे हैं, बिलखसूस शेक्सपियर के हेमलेट लिखने के बाद। तो बहरहाल ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने हेमलेट ड्रामे के ऊपर जो है काफ़ी आई होप के दिलचस्प जो है वो डिस्कशन की, और ये मालूमात आपको काफ़ी काम भी आएंगी, बड़े बड़ी मुफीद भी होंगी आपके लिए बिलखसूस। और मुझे यकीन है कि आपको अगर हेमलेट के ऊपर अब कोई भी अगर क्वेश्चन जो है वो लिखना हो या अगर कोई यानी इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप आसानी से उसका जवाब जो है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा सेशन ये जो है वो एंड होता है। आपसे किसी दूसरे सेशन में मुलाकात होगी ये बहुत जल्द, इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पे जो है वो आपके साथ एक दफ़ा फिर जो है वो डिस्कशन जो है जारी रखेंगे। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने कीमती कमेंट से मैं ज़रूर आगाह करते रहें ताकि हमें पता लगे कि आपकी अभी फर्दर आगे क्या रिक्वायरमेंट है। और लाइक ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे सेशन में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सो टिल देन हैव अ नाइस टाइम एंड